कवर चुनकर उसके गले में वरमाला डालो पुत्री। प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम ये अनीति कदापि होने नहीं देंगे। पर माला भले ही उस गले में डाली है, पर गले तो तुम्हें हमसे ही मिलना होगा। आओ हमारे साथ, आओ। रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही संरक्षक। रक्षा करो। परिणामों के संकेत देकर मैं सावधान करता हूं, और जो प्राणी प्रेम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं उन्हें प्रेरित भी करता हूं। मैं सदा झंकृत रहने वाला समय की वीणा का तार हूं। मैं ओंकार हूं। आश्रम में शिवोपासना करते समय च्यवन ऋषि पास बैठी सुकन्या को देखकर मादक हो उठते हैं। नारद व पर्वत वहां आकर देखते हैं कि उस वासनापूर्ण अवलोकन से मदासुर नामक असुर उत्पन्न होता है। नारद के परामर्श पर च्यवन उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेज देते हैं। वहां पहुंचकर शुक्राचार्य द्वारा उसे शक्ति उपासना का आदेश मिलता है। नारद गणेश लोक पहुंचकर मदासुर की चर्चा करते हैं, तो गणेश माता पार्वती को सावधान करने का विचार करते हैं। राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, भगवान मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार
तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर, क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टि पुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर, हम तुम्हें सावधान करते हैं। तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो तुम्हारा श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पुत्री, ओम गं गणपतये नमः। पिताश्री, अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेम प्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है, किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मन पसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेम प्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज अचानक कैलाश का स्मरण कैसे हुआ गणेश? अवश्य ही तुम अपनी माता पार्वती से मिलने आए हो। जगत पिता, आप में मैं माता पार्वती और माता पार्वती में आपके दर्शन कर लेता हूँ। आप दोनों में से किसी एक का दर्शन करके मैं दोनों के दर्शन का लाभ ले लेता हूँ। अर्थात आपके दर्शन करने से मुझे माता पार्वती के दर्शन भी हो गए। आपका ये अर्धनारीश्वर स्वरूप तो सदा मेरे सम्मुख ही रहता है। बुद्धि के स्वामी हो, बुद्धिमता की बातें अवश्य करोगे। हमारा विचार है कि देवी पार्वती को तुम्हारे आगमन का ज्ञान अब तक अवश्य हो गया होगा। वे शीघ्र ही यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हारे प्रश्न का समाधान भी वे ही करेंगे। प्रश्न? हाँ गणेश, हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने एक आराधिका के पास से आ रहे हो, साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी लाए हो। विश्वेश्वर, जगत का हर पदार्थ हर घटना आपकी दृष्टि के सम्मुख ही रहती है, इसलिए इस विषय में मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। मैं तो माता पार्वती से केवल यही जानने आया था कि उनके वरदान के फल स्वरूप जब मदासुर तीन शक्तिशाली असुर पुत्रों का पिता बनेगा, तब मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुत्र, मदासुर के पुत्रों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना जो धर्म और न्याय के अनुसार उचित हो, किंतु यदि तुम उनका संहार करने से बच सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। अपने माता के वरदान के साथ साथ तुम्हें अपने वरदान की भी रक्षा करनी है, इसीलिए तुम्हें अपने विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य।
देवी, तुम चिंतित ना हो, पुत्र गणेश जो भी कार्य करेगा उससे मदासुर का अहित अमंगल नहीं, अभी तू मंगल ही मंगल हो। राजकुमारी तिलोत्तमा पधार रही है। वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालो पुत्री। प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम ये अनीति कदापि होने नहीं देंगे। वरमाला भले ही उस गले में डाली है, पर गले तो तुम्हें हमसे ही मिलना होगा। आओ हमारे साथ। आओ। रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही संरक्षक। रक्षा करो। तिलोत्तमा ने मदासुर को अपना जीवन साथी चुनकर स्वयं को सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों का प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता जैसे नभ जल थल में उनके प्रेम की सुगंध फैल गई हो। समय के साथ साथ राजकुमारी तिलोत्तमा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर। उनके जन्म से तिलोत्तमा अत्यंत प्रसन्न थे। असुर परंपरा के अनुसार तीनों पुत्र जन्म लेते ही युवा हो गए। पुत्र धनासुर, लोलुपासुर, विलासासुर। मेरे प्रिय पुत्रों, माता श्री प्रणाम। विलासासुर, लोलुपासुर, पुत्र धनासुर। क्या हमारा जन्म इन गुफाओं में रहने के लिए हुआ है? कदापि नहीं, हमें तो महलों में रहना चाहिए। यहाँ वन में सूखे पत्तों, झाड़ियों और वृक्षों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। विलासासुर, सुंदरियों के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। हमें सुंदरियों को ढूंढ निकालना चाहिए। उनकी प्राप्ति के उपरांत यदि हमने स्वर्ण और रत्नों की कोई चमक नहीं देखी तो इन आँखों का क्या लाभ? धनासुर, मैं तुमसे और लोलुपासुर से सहमत हूँ। हमें महल, सुंदरियां तथा स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। हाँ विलासासुर, बल प्रयोग करके ही हम अपार संपत्ति संचित कर सकते हैं। यदि सुख प्राप्ति के लिए हमें शक्ति का ही प्रयोग करना है तो विलंब क्यों? आप सुन रहे हैं स्वामी, हमारे पुत्रों के विचार किस दिशा में जा रहे हैं? भैया विलासासुर, हमें जो भी करना है शीघ्र कर लेना चाहिए। हाँ भैया, महल, सुंदरियां, स्वर्ण, रत्न आदि यदि हमें प्राप्त करने ही है तो विलंब करने से वो जितने दिन हमें प्राप्त नहीं होंगे हम उसके सुख से उतने ही वंचित रहेंगे। बड़े और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़े अन्याय और बड़ी अनीति करनी पड़ती है।
बिलास असुर, उसके लिए तो हम तीनों तैयार ही हैं। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अन्याय और अनीति करेंगे तो सुख और संपदा भी तो प्राप्त करेंगे। नाथ, हमें अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि ये आसुरी वृत्ति अपनाकर अन्याय व अनीति न करें। तिलोत्तमा, देवी शक्ति के वरदान से प्राप्त हमारे ये तीनों पुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। इन्हें समझाना व्यर्थ होगा। दैत्य गुरु की जय हो। बंद करो ये अपना व्यर्थ कलाप। क्यों जय बोलते हो? किस लिए बोलते हो? हृदय से बोलते हो अथवा मुझे प्रसन्न करने के लिए? आप इतने रुष्ट क्यों हैं दैत्य गुरु? तुम अनुचित बात करोगे और हमें रुष्ट भी नहीं होने दोगे? तुम्हारा आचरण क्या प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है? मुझसे क्या अपराध हुआ है दैत्य गुरु? अक्षम्य अपराध हुआ है तुमसे। तुम्हारे पुत्रों के जन्म होने की सूचना तक हमें देने की आवश्यकता नहीं समझी तुमने? हम दैत्य गुरु हैं, हमारे कुल में तीन तीन पुत्र जन्म ले और हमें सूचना तक नहीं। क्षमा करें दैत्य गुरु, तीनों पुत्रों की माता तिलोत्तमा नहीं चाहती थी कि आपको सूचित किया जाए। क्यों नहीं चाहती थी? पति की इच्छा के सम्मुख पत्नी की इच्छा का अर्थ ही क्या होता है? कहो, क्यों नहीं चाहती थी हमें सूचित करना? इसलिए कि इसके तीनों पुत्र कहीं आसुरी वृत्ति ना अपना ले। तिलोत्तमा, तुम एक असुर की पत्नी तथा शक्तिशाली पुत्रों की माता हो। हम असुरों के गुरु हैं। ऐसे में यदि तुमने असुरों की आसुरी शक्ति की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न किया अथवा विरोध किया तो हम तुम्हें मार्ग से हटाने में कदापि संकोच अथवा विचार नहीं करेंगे। मुझे मृत्यु का भय न दिखाई दैत्य गुरु। सदाचार मार्ग के पक्षधरों को मृत्यु का भय कभी होता भी नहीं। मृत्यु से भयभीत होते हैं दुराचारी। मैं तो अपने पुत्रों को सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। असुर की पत्नी और असुर की माता सदाचार की बातें करती है? दुराचारी तो असुरगण और देवगण में भी होते हैं, तो फिर क्या असुरों में सदाचारी नहीं हो सकते? मैं तो अपने पुत्रों को सदाचारी ही बनाऊंगी। मैंने अपने आराध्य श्री गणेश को वचन दिया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हारे तीनों पुत्रों को ऐसी आसुरी शक्ति से पूर्ण करेंगे जिसके चमत्कार को देखकर जगत चकित हो जाएगा। तुमने अपने निर्बल विचारों से मदासुर को तो कायर बना ही दिया है, किंतु तुम्हारे ये तीनों पुत्र तुम्हारे प्रभाव में नहीं आएंगे। ये तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में दैत्य शक्ति की ध्वजा फहराएंगे। गुरु की जय। अब तुम तीनों हमारे आश्रम चलो। हम तुम्हें वो सब प्रदान करेंगे जिसके तुम इच्छुक हो। हमारे साथ चलने और आसुरी वृत्ति अपनाने से ही भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। आओ हमारे साथ। ये क्या हो रहा है स्वामी? ये क्या हो रहा है? माता पिता के जीवित होते हुए पुत्र को मार्ग पर जा रहे हैं। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही है। शुक्राचार्य मेरे पुत्रों को ले गए, स्वामी। नारायण 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 भगवान नारायण 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 ना। अत्याचार, अनाचार, पापाचार और दुराचार के भंडार अब और भरेंगे। रह गया
शिष्टाचार, तो चलो नारद वो भी कर लो। नारायण नारायण, प्रणाम दैत्य गुरु। क्या आप मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं देंगे दैत्य गुरु? ना दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप केवल दैत्य नहीं, दैत्य गुरु है, जो सदाचार की नहीं दुराचार की शिक्षा देते हैं, और जो अपने शिष्यों को दुराचारी होने की शिक्षा देते हैं, वो सदाचार शिष्टाचार मतलब क्या है जान? क्रोध ना करें, क्रोध करने से सत्य का आकार छोटा तो नहीं होता ना दैत्य गुरु? और फिर क्रोध करने पर शरीर में रक्त का प्रवाह नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने लगता है, और ऐसा होने पर मृत्यु का संकट घिर आता है। तात्पर्य आप शांत रहें और शरीर में रक्त के प्रवाह को नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने से रोकें। नीति रीति तो यही कहती है कि केवल चरित्र को ही ऊपर की ओर जाने देना चाहिए, जिससे केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं संपूर्ण जगत में आनंद व्याप्त रहता है। तो मुझे शिक्षा देने आए हो? यदि आप लाभ उठा सके तो ये आपका सौभाग्य होगा, किंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में सौभाग्य है ही नहीं। नारायण नारायण, मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि तीनों को आप ले कहां जा रहे हैं? सदा ही सदाचार और चरित्र का शंख फूंकने वाले नारद, तुम्हें ये सुनकर प्रसन्नता नहीं होगी कि मैं इन तीनों को आसुरी वृत्तियों और शक्तियों से पूर्ण करने ले जा रहा हूँ। निश्चित ही मुझे प्रसन्नता नहीं पीड़ा हुई ये जानकर। बेचारे, आपका मार्गदर्शन पाकर अंत में उसी प्रकार मारे जाएंगे जिस प्रकार आपके अन्य शिष्य मारे गए। नारायण, वास्तव में आपको मुझे अत्यंत संक्षेप में अत्यंत सटीक उत्तर दे देना चाहिए था कि आप इन तीनों को मृत्यु के मुख में प्रवेश करने की शिक्षा देने ले जा रहे हैं, है ना? नहीं नारद, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्या इस बार प्रकृति के नियम और विधि के विधान को आप बदल डालेंगे? क्या पुष्पों से दुर्गंध और कीचड़ से सुगंध आने लगेगी? हाथी उड़ने लगेंगे और मछलियां चलने लगेगी? वाह 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 वाह, अरे ऐसे को वैसे करने का सामर्थ्य तो स्वयं विधाता में भी नहीं है, फिर आप ऐसे को वैसा कैसे कर सकते हैं? जगत देखेगा कि हम क्या करेंगे। असुरों ने दीर्घ काल से स्वर्ग पर राज्य नहीं किया, पृथ्वी लोक पर भी देवताओं के पक्षधर निश्चिंत हैं, पाताल लोक भी सूना पड़ा है। मदासुर के ये तीनों पुत्र अपनी असीम शक्ति से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो नारद? नारायण नारायण, अब तो बिना पूछे ही भविष्य का संपूर्ण चित्र साकार और दृश्यमान होने लगा है। आप तो अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े हैं, किंतु इतना न भूलें कि इन तीनों की माता श्री गणेश की आराधिका है। इनके जीवन से इनके माता पिता निकल चुके हैं, अब केवल मैं ही इनके जीवन का सर्वे सर्वा हूँ। हाँ हाँ, फिर तो इन तीनों के जीवन में कष्ट और मृत्यु के भय का भार बढ़ ही जाएगा। इनके नहीं, इनके माता पिता के जीवन में यदि उन्होंने इनके और हमारे बीच में आने की चेष्टा की तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, आप तो केवल इन्हें नष्ट करने की चेष्टा करें बस। हम दैत्य शक्ति की ध्वजा फहरा कर ही रहेंगे, तुम्हारे प्रलाप का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैत्य गुरु, ये तो संपूर्ण जगत जानता है कि श्याम वर्ण पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो करते रहो प्रलाप। नारायण नारायण, दैत्य गुरु आप दैत्य शक्ति निर्माण करो, देवगुरु दिव्य शक्ति निर्माण कर लेंगे। दैत्य शक्ति प्रज्वलिताय स्वाहा, दैत्य शक्ति संज्वलिताय स्वाहा, दैत्य शक्ति विस्फोटिताय स्वाहा, दैत्य शक्ति विजयी भव।
रक्षा करें। हमें किसका विनाश करना है? दैत्य गुरु, हमें किसे नष्ट करना है? दैत्य गुरु, हमें कहां विस्फोट करना है? तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से भगाओगे। और मैं? तुम पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बनोगे। और मुझे क्या करना होगा दैत्य गुरु? तुम पाताल लोक जाकर दैत्य द्रोही नागों को नष्ट करके वहां दैत्य ध्वजा फहराओगे। अब तो तीन हो, दैत्य शक्ति की विशेषताओं से पूर्ण हो चुके। तुम एक संकेत से असंख्य असुर सैनिकों को उत्पन्न कर सकते हो। आपकी आज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं चला स्वर्ग लोक की ओर। प्रणाम दैत्य गुरु। और मैं चला पृथ्वी वासियों की ओर दैत्य गुरु। प्रणाम। और मैं चला पाताल लोक नागों का दमन करने। प्रणाम। दैत्य गुरु की जय हो। असुर सेना। मेरे असुर सैनिकों, चलो स्वर्ग की ओर। Ha 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 ha!
प्राणियों तथा पातालवासी राजा के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पधारे हैं, इस सत्य को हम जानते हैं। नारायण नारायण, अर्थात सूचना देने के श्रम से मैं बच गया। देवर्षि, तीनों लोकों में घट रही घटनाओं को हम दृष्टा बनकर देख रहे हैं। केवल देख रहे हैं, वो भी दृष्टा बनकर। नारायण नारायण, समस्त देवताओं में अग्रणी महाशक्ति के पुंज श्री गजानन तीनों असुरों के अत्याचारों को दृष्टा बनकर देख रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है गजानन, आश्चर्य है। देवर्षि, आश्चर्य तथा चिंता का कोई कारण ही नहीं है। आश्चर्य के ऊपर और आश्चर्य, असुरों के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तीनों लोग पीड़ित हैं। स्वर्ग लोक से देवगण पलायन कर गए, पृथ्वी लोक पर हर प्राणी कराह रहा है और पाताल लोक में सत्ता पलट दी गई है। नागों पर अत्याचार हो रहे हैं श्री गणेश, फिर भी आप कह रहे हैं
आपके आश्चर्य और चिंता का कोई कारण नहीं। ना रहा है। हाँ देवर्षि, हम पुनः कहते हैं कि चिंता व आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। श्री गणेश, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार यदि बढ़े हुए हो तो केवल अत्याचारी, पापाचारी और भ्रष्टाचारी के लिए ही आश्चर्य व चिंता का कारण नहीं बनता, किंतु सत्पुरुषों के लिए तो केवल घोर चिंता का कारण है, घोर चिंता का। श्री गणेश, कुछ ही समय में ये कारण समाप्त हो जाएगा देवर्षि। वो कैसे? देवर्षि, आपको तो ज्ञान होगा ही कि माता पार्वती ने मदासुर को वरदान दिया है और हम भी असुर पुत्रों का संहार न करने के लिए माता पार्वती से वचनबद्ध हैं। अब ऐसी स्थिति में इन तीनों अत्याचारी भाइयों का वध किया भी नहीं जा सकता। नारायण नारायण, फिर ये अत्याचार रुकेगा कैसे? यदि इन तीनों असुरों का वध नहीं किया गया तो अत्याचारों में वृद्धि होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री गणेश, मैं माता पार्वती से इन तीनों लोग की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। आप माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे अथवा उन्हें प्रेरित? श्री गणेश, कभी कभी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ एक ही होता है। नारायण नारायण।